करने के लिए। सही, अब 85 रुपए के हिसाब से हम सेल कर रहे हैं। अब हम इसको जो है इनके जो बने हुए उनको चेक कर रहे हैं कि एक लीटर है या नहीं। एक बार डालने से पहले बाकी एक लीटर है जी हाँ, पक्की बात है। एक लीटर कितना होता है जो है ना डब्बा दिया आपको? नहीं, इसमें बताया ना एक लीटर कितना होता है। तकरीबन 20 मिलीलीटर के करीब फर्क है। 20 मिलीलीटर के करीब बड़ा फर्क है। बड़ा फर्क है। एक लीटर के हिसाब से सेल कर रहे हैं और ये आता 20 मिलीलीटर कम है। वो तो डालने में 19-20 हो गया। डालने में नहीं, ये जो आप इतना हिलाते हैं झाग बनाते हैं। नहीं, झाग नहीं है, झाग नहीं, झाग नहीं है, वैसे ही कम है जी। झाग की अब इसी की झाग बना देंगे तो ये हो जाएगा। 19-20 के ऊपर हो जाते हैं। आप कोई ज़्यादा हो 295 हो तो फिर आप कह सकते हो कि आप भी फर्क है। बहुत फर्क है, ये थोड़ा सा फर्क नहीं है। कितना बिक जाता है डेली बेसिस में? मुझे किलो में बताएं, कुछ मन में बताएं। एक मन हो जाता है? हाँ तकरीबन एक एक फॉर एग्जांपल अगर एक मन लेते हैं और पर केजी में जो है इस तरह 20 मिलीलीटर का फर्क आ रहा है तो कितना कितना हो गया? बहुत फर्क हो गया ना। देखिए वहाँ से कितना आता है आपको पता? 1200 कितना आता है? 1200 कितना आता है आप बताएं? आप बता दें। इससे कम आता है वहाँ से? लीटर में नहीं, उसमें आता है किलो में आता है। इससे कम होता है, लीटर बड़ा होता है। अच्छा, तो आपको पैमाना पता नहीं है यहाँ का क्या? तो देखिए पैमाना पता है कि मन में आता है या लीटर में आता है, वो कम होता है। ये 5 मिली लीटर पे हम पेट्रोल वालों का मार्जिन देते थे, 10 पे नहीं देते थे, 15 पे भी नहीं देते थे और ये 20 है। बहुत ज्यादा फर्क है, ये हमारा जो मार्जिन ऑफ एरर है उससे बहुत ज्यादा है। ये लोगों के साथ ज्यादती है, 20 मिलीलीटर तो ग्रेटर एरर है। तो ये उन्होंने कम दे रहे हैं, हम इनके ऊपर एक्शन लेंगे और कानून के मुताबिक इनको सजा मिलेगी। ठीक है, सही है। यहाँ पे आपने देखा, इन्होंने शॉप पर पहले किलो किलो थक की थैलियों के बना के इस तरीके से रखे हुए थे और जब उसका वेट किया तो 20 मिलीलीटर कम आ रहा है। अभी हम गंदगी पे प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको गंदगी दिखा के क्या फ़ायदा। लेकिन बहरहाल ये हमने आपको दिखा दिया कि शेयर का हिसाब कहीं नहीं है, किलो का हिसाब कहीं नहीं है, लीटर का हिसाब है और लीटर के हिसाब में 20 मिलीलीटर की कमी पाई गई है। खाने का मकसद आगाही है और आवाम को शऊर देना है। मादर पिदर आजाद माफिया जो मनमानी कर रही हैं, इसको लगाम डालना जरूरी है। इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदो नवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं या कि HF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।